ग्रीटिंग एवरीवन, आई अरुण गोस्वामी, फैकल्टी मेंबर ऑफ रिहा सेंट्रल स्कूल, एंड टुडे आवर टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ चैप्टर ऑफ 11th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई एंड हाउ? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Firstly, I would explain to you, we all are living in a democratic country. India is a democratic country. What is the meaning of democracy? Democracy is the by the people, for the people and of the people. It means जहां पर जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किया जाता है, ये लोकतंत्र कहलाता है, जो कि भारत देश में लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में जनता अपने बहुमत से अपने लिए सरकार बनाती है और वही सरकार जनता के लिए कार्य करती है। उस सरकार को नियंत्रित रखने के लिए, उसको बांधने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। यह केवल मात्र एक व्यक्ति ने नहीं किया है, अलग अलग देशों में एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, लेकिन भारत में केवल मात्र एक व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, एक सभा ने मिलकर इसका निर्माण किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मीनिंग आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ स्टेट्स। ये मूलभूत आधार होता है सभी राज्यों में उनको बांधने के लिए। लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट सबसे लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान किसी राज्य का आधार या मौलिक कानून है, किसी राज्य का मौलिक कानून जिसके द्वारा सरकार चलाई जाती है, देश चलाया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी स्कूल को ले लीजिए, किसी कॉलेज को ले लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट को ले लीजिए या फिर किसी हॉस्पिटल को ले लीजिए। जैसे किसी स्कूल में सभी कार्य एक व्यक्ति नहीं करता, वहां पर पावर शेयरिंग होती है, शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे क्लास के मॉनिटर के पास अलग पावर होती है, टीचर्स के पास अलग पावर होती है और प्रिंसिपल्स के पास अलग पावर होती है। लाइक ऐसे ही देश को चलाने के लिए सभी लोगों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर नहीं होती। समाज के लिए संविधान बराबर होता है, इक्वल होता है। आपने देखा होगा यदि आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग आकर रहते हैं। अगर आप एक चाय वाले से चाय पीते हैं तो वो तमिल का है, कोई उड़ीसा का है, सब अलग अलग स्टेट से आके एक जगह कार्य कर सकते हैं। वो सब किसके लिए, किसके जरिए? उसी वजह कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी नहीं होती, सभी के लिए समानता नहीं होती, तो आज आप भी ये वीडियो ना देख पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो सारी चीजें इक्वल है, सब बराबर है। बात करते हैं, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रकार, कितनी तरह से संविधान काम करता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, कैसे वो काम करता है। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान होता है, सारी बातें प्रिंटेड होती है। लाइक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ सारी बातें लिखी गई है। नेक्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान, लाइक इंग्लैंड। हम देख सकते हैं इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां वो अनरिटन है, रिजिड यानी कि कठोर संविधान, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फ्लेक्सिबल, जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, कोई बदलाव किया जा सकता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा, आप लोग जानते हैं, रिसेंटली भी इंडिया में आर्टिकल 370 में एक
डिफरेंस हुआ है, आर्टिकल 370A में एक डिफरेंस हुआ है जो कि J&K जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रॉब्लम थी, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो फ्लेक्सिबल टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यू कॉल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ऑल लॉज, सभी कानूनों के पिता भी हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, सभी कानून संविधान के द्वारा ही चलते हैं। ये संविधान, इंडिया का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन एक सभा के द्वारा लगाए गए, जिसमें 299 लोगों ने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया, जिसमें मोर दन आर्टिकल्स एंड मोर दन उनके अनुच्छेद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, जिसके द्वारा देश को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है, देश को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। आज इतने वर्षों बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, इक्वालिटी है और सभी के लिए सारी शक्तियाँ इसे सरकार पे नियंत्रण करके बांटी गई हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लास्ट आई रिपीट अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ऑल लॉ। थैंक यू सो मच।